एफआईआर भी किया। क्या सोचते हैं सरकार क्या करे? बेरोजगारी के मुद्दे पर रोजगार मांगोगे सरकार से, शिक्षा मांगोगे, दवा मांगोगे, कारखाने मांगोगे, विकास मांगोगे, तो सरकार एफआईआर मारेगी, ठंडे मारेगी, और क्या कर सकती सरकार? सरकार के तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी। सरकार रोजगार नहीं दे सकती, ये क्या ऑब्वियसली रोजगार कहाँ दे पा रही है, कई पदे जो है रख पड़ी है। इसी बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के तो हम लोग जो है सड़क को पे आए, लोहिया जयंती के अवसर पर आए। लोहिया जी ने कहा था कि सड़क सुनी हो जाएगी तो सदन और सरकार आवारा हो जाएगा। तो हम लोग जो है सदन से लेके सड़क तक जो नौजवान हैं, जो भाई हमारे हैं, उनको रोजगार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उसी दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी भी दी गई थी, आज़ादी के लिए लड़े थे। उसके बाद आपने ये आंदोलन किया जो कि दिखा भी और सबको पता है, डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन से बौछारें की गई। ये तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार पुलिस को जदयू पुलिस बना दिया, और शहादत दिवस के रूप सर जो शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उस दिन इन्होंने अंग्रेज का काला कानून जो है वो बिहार में लागू किया, बिल पेश किया और पास करवाया। जबरदस्ती पुलिस के लोगों, विधायकों की पिटाई की गई, महिलाओं के साथ चीरहरण किया गया, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। ये नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से इनसे बिहार नहीं संभलना, उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन उनको याद करना चाहिए। पुलिस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या बिना अरेस्ट वारंट गिरफ्तार हो गए? जल्दी करके बुला रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक तो काला कानून इसलिए है कि आपको जब मन करे पुलिस किसी को उठा सकते, मतलब गुंडागर्दी करने के लिए पूरी तरीके से छूट है, और उसका ट्रेलर आपने देख रखा। जब विधायकों की विधानसभा में पिटाई हो सकती है, तो इस विधेयक के बाद तो घर में लोगों को घुस के पिटेगी पुलिस, पिटेगी ही नहीं, रंगदारी वसूलने का काम करेगी। और ऑलरेडी अगर आपके पुलिस के सामने कोई अपराध करता है तो सीआरपीसी में ऑलरेडी पुलिस को पावर है कि उस पर कार्रवाई कर सके, गिरफ्तार कर सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल लोगों पर और पुलिस को जो है आरसीपी टैक्स के लिए आज़ादी देने का ये काम कर रहा है। आगे का क्या मुहिम होगा? लड़ रहे हैं 26 को बिहार में।